उसके बारे में बयान करूंगी। पीएम यूथ प्रोग्राम 2013 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सरबराही में शुरू हुआ और तब से आज तक बिज़नेस लोन्स, लैपटॉप्स, इंटर्नशिप्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तब जो शुरू किए गए, आज जो उसका 10 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं शहबाज़ शरीफ साहब की सरबराही में। शहबाज़ शरीफ साहब ने इस साल को उसकी सेलिब्रेशन में ईयर ऑफ यूथ करार दिया और पिछले 15 महीनों में जो कारकर्दगी पीएम यूथ प्रोग्राम ने शहबाज़ शरीफ साहब के विज़न के मुताबिक और उनकी सरबराही में दिखाई, वो पिछले 10 सालों की कारकर्दगी के बराबर थी। 10 सालों में 100 अरब रुपए का कर्ज दिया गया नौजवान बच्चों को, बच्चियों 75 अरब का दिया गया, मगर पिछले 5 महीनों में 30 अरब रुपए यूथ में डिसबर्स किए गए। ये इस तकरीब का पहला हिस्सा है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स की बात होगी और हमारे साथ हमारे प्राइवेट बैंक्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, प्रेसिडेंट HBL मौजूद हैं जिनकी आज लीड है, BOP का बहुत अहम किरदार रहा, मुख्तलिफ बैंक्स, नेशनल बैंक, अस्करी बैंक हमारे साथ पार्टनर किया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स ने पार्टनर किया। 3 टीयर्स में ये लोन दिए गए। Tier 1 के लोन्स जो थे वो इंटरेस्ट फ्री थे, कोलैटरल फ्री थे और वो 5 लाख तक थे। तो वो लोग जो बिल्कुल नया बिज़नेस शुरू कर रहे थे या माइक्रो बिजनेसेस कर रहे थे, उन यंग बच्चों को और बच्चियों को ये लोन फराहम किया गया। Tier 2 15 लाख तक था, 5% के ऊपर था और कोलैटरल फ्री था। मकसद ये था कि वो यंग बच्चे और बच्चियाँ जिनके पास कोलैटरल नहीं है और फिर बैंक्स उनको कर्ज़ा नहीं देते, लोन के लिए एक्सेस टू कैपिटल नहीं रहता, उनके लिए जो है वो आसानी हो और उनको कोलैटरल की ज़रूरत ना हो। इसी तरह जो Tier 3 है वो 7.5 मिलियन, 75 लाख रुपए तक का लोन था, ये 7% पे था और इन तमाम टीयर्स की जो इंटरेस्ट शेयरिंग है बैंक्स के साथ वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही थी अपनी यूथ के बिहाफ पे, और ये वो और रिस्क शेयरिंग भी जो है इन लोन्स की वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब की क़यादत में हमारी यूथ में की गई ताकि हमारे यूथ के बच्चे जॉब सीकर्स की बजाय एम्प्लॉयर्स बने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं और अपने कारोबार शुरू करें। दूसरा हिस्सा इस तकरीब का वज़ीर आज़म साहब के लैपटॉप प्रोग्राम के हवाले से है। PM की जो लैपटॉप स्कीम है 2011 से पंजाब से शुरू हुई, आज तक वफाक की हुकूमत 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उससे पहले शहबाज़ साहब की हुकूमत, ये 10 लाख लैपटॉप्स डिसबर्स कर चुकी है और इस साल इंशाल्लाह 1 लाख लैपटॉप्स फिर से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और ये टॉप मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी वज़ीर आज़म साहब ने 1 लाख लैपटॉप्स का बजट रखा है और इंशाल्लाह अगले साल 1 लाख और लैपटॉप जो हैं अपने हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरिट के ऊपर उनको ये लैपटॉप्स दिए जाएंगे। तो ये इस तकरीब का मकसद है। आज आप यहाँ पे जो सब इकट्ठे हुए हैं, हम शुक्रगुजार हैं सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नर हाउस के और आप सब लोगों के जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं एक बार मुबारकबाद देना चाहूँगी उन बच्चों को जिनको लैपटॉप्स मिल रहे हैं, जिनको ये कर्ज़े मिल रहे हैं, जो इनके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अपना और अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स अ लॉट मैडम। और ख़वातीन हज़रात, ये लैपटॉप्स का जो रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव था, COVID-19 जब आया और जब सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो चुकी थी, गूगल मीट पे, जूम पे, दुनिया भर में क्लासेस हो रही थी और